अखिलेश की जोड़ी, मोदी लहर से टक्कर, कांग्रेस का कमजोर संगठन, कम समय में ज्यादा सीटें दिलाना, ये वो चुनौतियां हैं जिसे प्रियंका गांधी को पार पाना है। यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिन लाने हैं, समय कम है और काम बहुत ज्यादा। ये सवाल सबके मन में है कि प्रियंका गांधी यूपी में क्या करेंगी, कैसे वो चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाएंगी, क्या प्रियंका गांधी इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार भी हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको कल गांधीनगर में कांग्रेस की रैली की तस्वीरें देखनी होंगी। देखिए, जैसे ही मंच पर प्रियंका गांधी आईं, पूरी रैली में उत्साह की लहर दौड़ गई। प्रियंका गांधी मंच पर भाई राहुल गांधी के साथ बैठी। ये संदेश दिया गया कि प्रियंका अब फ्रंट फुट पर आ गई हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये कहीं नहीं लगा कि वो नई जिम्मेदारी को लेकर घबराई हुई हैं या दबाव में हैं। चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रियंका गांधी एकदम शांत दिखी। उनके हाव भाव सामान्य रहे। पहली बड़ी रैली, पहला बड़ा मंच, सैकड़ों की संख्या में लोग, लेकिन प्रियंका गांधी बिल्कुल नहीं डगमगाई। लोगों की नब्ज समझते हुए उन्होंने भाषण की शुरुआत इमोशनल कार्ड से की। कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए, भजन सुनते हुए, मेरे दिल में क्या भावना जागी, ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं। पूरे भाषण में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को मुद्दों पर घेरा, सीधी और सपाट बात की, वो कहीं नहीं अटकी। उनकी भाषा में स्पष्टता थी। उनका 7 मिनट का भाषण छोटा था लेकिन सटीक था। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है। प्रियंका के भाषण से साफ लगा कि वो मजबूत इरादे के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने भाषण में लोगों से कोई बड़ा वादा या दावा नहीं किया। जय हिंद के साथ प्रियंका गांधी ने अपने भाषण को खत्म किया। भाषण से पहले वो राहुल गांधी के साथ बैठी थी, बाद में अलग बैठी। साबरमती आश्रम में भी उन्होंने मंच से दूरी बनाई और कांग्रेस नेताओं के बीच जाकर बैठी। CWC की बैठक में यही हुआ। प्रियंका गांधी ने कहीं भी खुद को गांधी परिवार का सदस्य होने का फायदा नहीं दिया। कल की इन तस्वीरों को देखकर ही लगा कि प्रियंका गांधी अब यूपी के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने करिश्मे को वोट में कितना बदल पाएंगी ये देखना होगा। सुप्रिया भारद्वाज और गोपी घांगा के साथ कुमार विक्रांत, अहमदाबाद।